जाना है प्रोग्राम में नहीं जाना। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम आज क्यों मिल रहे हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि मैं अभी छत पर क्या कर रही हूँ। अभी कुछ महीने पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी ना, रिंकू दीदी की, तो उनका आज बुरा हो रहा है। मतलब आज जीजा जी हमारे उनको लेकर जाएंगे। पता है आपके भी दिमाग में आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने टाइम बाद क्यों। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतना टाइम क्यों लगा लिया जीजा जी ने। मतलब उनको याद नहीं आ रही थी दीदी की या फिर क्या, ये हम पूछेंगे भी जरूर कि इतना लंबा छेता रखने के पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, अब दूसरा मैं बता दूं कि मैं छत पर क्या कर रही हूँ कि कल बहुत ही गंदी आंधी आई थी जिसने हमारे पूरे पेड़ पौधे ना इधर उधर कर दिए, मिट्टी मिट्टी हो गई। तो कल हमने थोड़ी सी सफाई कर दी थी लेकिन वो ढंग से नहीं हुई थी, इसलिए मैं आज आई हूँ ये करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए, फिर मैं रेडी होना स्टार्ट करूंगी। ये वाला पौधा देख रहे हो अब, ये इतनी जोर की आंधी चल रही थी कि ये वाला पौधा कल मुंह के बल गिरा हुआ था। और पता है जैसे ही हमने सफाई करी ना, ऊपर से ऐसे टाइल गिरी, देखो हम बस मम्मी छत पे से आई थी कि बस भाई अब बहुत तेज की हवा चल रही है, और जैसे मम्मी नीचे आई ये गिरी इधर से, इतनी जोर की हवा चल रही थी। ऑलमोस्ट हो चुकी है मम्मी रेडी और यहाँ मैंने मुंह तक नहीं धोया है भाई नितेश भाई तो सो ही रहे हैं अभी। हेलो मिस्टर, जाने प्रोग्राम में। मैं थोड़ा सा अपना प्री वर्कआउट बना रही हूँ जिससे कि फंक्शन में जाऊं तो थोड़ी सी एनर्जी रहे मेरे में। हो गई मैं रेडी, और रितेश भाई जो बोल रहे थे कि मैं उनसे ज्यादा टाइम लगाऊंगी रेडी होने में, आप देख सकते हो इधर कहीं भी रितेश भाई यहाँ नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। इससे मतलब क्या निकलता है कि मैं उनसे जल्दी रेडी हो गई, मैं टाइम नहीं लगाती, वो लगाते हैं। क्यों मम्मी? राइट, और ये हम दोनों, मम्मी शीशे में दिखाते सबको हम कैसे लग रहे हैं। थोड़ी उधर हो जाओ, वैसा ये हमारी वीरा भी हमें चेकआउट कर रही है। वाओ, क्या मम्मी हम लग रहे हैं माँ बेटी? किसी से पूछना पड़ेगा। गाइस बताओ क्या हम लग रहे हैं माँ बेटी? अब वैसे भी मैं सही लग रही हूँ, क्या कहना है आपका? ताला खोल मेरा चश्मा। 6 बजे का प्रोग्राम, 7:30 बज गए हमें घर में, और अभी भी मम्मी का कुछ ना कुछ सामान रहता है। निकल दिए हैं हम फाइनली इतने जद्दोजहद के बाद, और अभी 1.5 घंटे का सफर और है जो हमें तय करना है। और मेरे को नींद आ रही है और भूख भी लग रही है। मैं गाड़ी में सोने वाली हूँ फॉर श्योर। सोचा था गाड़ी में बैठ के सोंगी और इन्होंने मुझे देखो पता नहीं कौन सी गद्दी पे कौन से बोरों पे बिठा दिया, और पूरे टाइम मैं ऐसी रही हूँ। यू आर जस्ट अ बैड गाय, यू हैव टू एडमिट दैट। यू मेक एवरी पर्सन मैड। आई एम बैड गाय, ओके। इन द लास्ट फ्यू डेज, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मी? नो, व्हाट हैव यू विटनेस्ड? No, I'm witnessing things right now in this car. Explain it, no? See it from a small mouth. Bhai, 9 baje. Clubhouse. Community center. वो कह रहे अभी तो बने ही नहीं। पहुंच गए। चलो, आज मम्मी को नए पार्टनर मिले हैं। भाभी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं खाने पर जाऊंगी क्योंकि मुझे वीकनेस फील हो रहा है। मैं पहले थोड़ी एनर्जी गैदर करूंगी, फिर बाकी का कुछ करूंगी। मैं दूर से आई है, हाँ भूख लग रही है भाई, खा के नहीं आए कुछ भी। अंदर तो आने देते हमें, बाहर से ही है। अच्छा, आपका वो चल रहा है क्या? अंकल नमस्ते। रस्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट होएगा जब हम जाएंगे, बट यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है प्रोग्राम एंड वी आर लेट। बुआ नमस्ते। रितेश भाई ने करा है, रितेश भाई को बोलो। भाई गाड़ी चलाने वाले तो वही थे ना। दिस इज स्टार्टर्स, ब्रेक ये कर दो। Thank you.
दोनों स्टार्टर्स खाए मैंने, चीला और ये आलू की टिक्की, ये भाई लिटरली बहुत यम थे और इन्होंने पेट के जो चूहे होते हैं उनको और दौड़ा दिया। पापा ने हमें फोन तो भाई 6 बजे कर दिया था कि तुम पहुंच जाना, मैं आ जाऊंगा वहां पर, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। और फिर मुझे दिखते हैं कि भाई पापा तो हमसे भी महा लेट है, मतलब हम तो लेट ही थे या और लेट आए हैं। वाओ पापा। सब गए इधर झुंड में सारे भाई बहन मिलके कि भाई जीजा जी और रिंकू दीदी दोनों को नचवाएंगे, और इन दोनों ने हमारे मुंह पे हमें 5 बारी मना कर दिया, मतलब 1 बारी भी नहीं 5 बारी, नहीं 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 अब जाओ। Go, 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 go
सोचा था फोटो खिंचवा लूंगी मेकअप सारा उतर के डांस के चक्कर में। ये हमारी बुआ की दो छोटी छोटी कटोरियां जिसके अंदर बुआ ने एक तरफ टिंडी की सब्जी ली और एक तरफ दाल मखनी लिया। देखो कितनी खुश हो गई ये। But I'm so frustrated. 1, 2, 3 start. आज मुझे लग नहीं रहा था मेरी फोटोज हो पाएंगी, बट थैंक्स टू मानसी इसने बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है और मेरी बहुत इसने हरकतें झेली उसको ना फूट पोजेस के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है बस। अब इसको क्या करे, सब कुछ सिखाना पड़ता है इन्हें। हाँ। क्या करे, और इसको खुद को भी नहीं आता था, इसने भी इंस्टाग्राम से हेल्प ली है। प्लीज यार, मैंने इन लोगों के जो टीके लगे थे वो मिसी कर दे क्योंकि मैं अपनी फोटोज में लगी हुई थी, बट यहाँ देख लो दोनों के लगे हुए हैं टीके। चाचा इंटरव्यू है इंटरव्यू चाचा के लिए मैं सिर्फ खड़ा हूँ दिख ही नहीं रहे ना, आप बैठ जाओ ऐसे हो जाते। रिंकू दीदी इतने दिन बाद आप वैसे क्यों भेज रहे हो? भेज रहे हैं क्या बात है? अरे भाई बूरे की रसम इतनी देर बाद कराई, उसके पीछे का रीजन बताओ ना। क्योंकि पहले होली थी फिर ईद थी लेबर सारी कटाई पे गई थी। होली के बाद एक महीना होता है जिसमें बेटी को अपने घर से नहीं विदा करा जाता। अच्छा, उसका महीना खत्म होने के बाद बूरा की रस्म रखी है। एक्चुअली सूरज भाई कनाडा गए हुए थे अभी इनका आना हुआ। अच्छा, इनके भाई हैं सगे भाई छोटे भाई। हेलो हेलो सूरज, कैनेडियन एक्सेंट है। व्हिच कॉलेज आर यू फ्रॉम इन कनाडा? हंसराज। हंसराज मैंने हंसराज। ओह माय गॉड भाई, कितने कितने आप स्टूडियस लग रहे हो भाई, दिखाना मेरे बुक्स का। वाओ यार तेज भाई, पापा चाचा आपस में ही दे रहे हो पापा यार इधर भी तो थोड़ा सा देख के हंस के दो ना। Yes, चाचा। कभी फिर मिले तुम तो भूल जाओगे, हम तो याद करे आगे मौसा जी कहाँ से मोटे हैं? मौसा जी आपको कह रहे हैं मोटा, कौन कह रहे हैं मेरे को? चाचा आ जाओ भी खुद है बदले कभी फिर मिले चलो चाचा मिल लो, एक और बारी मिल लो, वीडियो में आओगे चाचा इमोशनल हो रहे हैं। ओह इधर रिंकू दीदी फिर से भाई इमोशनल हो रहे हैं। रिंकू दीदी मिल लो हाथ
मिला। जिया जी चलो भाई बिवाड़ी वाली गाड़ी लगाओ। बस हो गया मेरा। पापा अभी चाचा के साथ बैठ के चाय पे गपशप करेंगे। मैं और भाई जा रहे हैं घर पे वीरा के लिए। भाई यार गाने लगाते हैं बड़े दिन से। गाने का नाम कोई वाला सुना यार भाई प्लीज यार वैसे मत तंग करना। अबे ये क्या है भंपड़ की ऐसे वाला। ऐसे तो अभी रुको मैं मोनिका को बोलता हूं मेरे को रील भेजेंगे अपने घर। A few moments later